ये लो रानो, मेरे शादी के कार्ड। अब तुम्हें ही इन्हें तुम्हारे पूरे जंगल में बांटना है, क्योंकि मुझे दूसरे जंगल जाकर बहुत सारे कार्ड बांटने हैं। ठीक है भैया, पापा भी आपके साथ आते तो अच्छा होता। हाँ दीदी, वो भी आने वाले थे, पर उम्र के साथ साथ उनके पर कमजोर हो रहे हैं। हाँ भैया, मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आती है। और हाँ बहना, तुम जरा जल्दी आना, माँ अकेली है। तुम जल्दी आकर घर के कामों में हाथ बटाना। चलो अब मैं चलता हूँ। रानो चिड़िया का भाई अपने शादी का न्योता देकर चला जाता है। तभी मीनू मौसी और लाडो चिड़िया रानो के पास आ जाते हैं। रानो, हमने बहुत दूर तक खोज की पर हमें कहीं पर भी अनाज नहीं मिला। नहीं रे बाबा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उड़ते उड़ते मेरी कमर ही टूट गई रे। कालू कौवा भी वहां पर आ जाता है। कालू भैया, क्या हुआ? आप भी बहुत हाफते हुए आ रहे हो। क्या बताऊं साथियों, हमने पूरे जंगल में खोज की, पर पतझड़ की वजह से कहीं पर भी ज्यादा फल नहीं है और ना ही कहीं पर ज्यादा अनाज। वो बातें कर ही रहे थे तभी मीनू मौसी की नजर शादी के कार्ड पर पड़ जाती है। अरे, इस पर तो मेरा नाम दिख रहा है। अरे हाँ मीनू मौसी, मैं तो भूल ही गई, ये मेरे भैया के शादी के कार्ड है। थोड़ी देर पहले ही वो उनको आप सबको बांटने की जिम्मेदारी मुझ पर सौंप कर गया है। ये लो आप सबके इनविटेशन कार्ड। रानो सबको कार्ड दे देती है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। इसका मतलब हमें दो चार दिन अनाज ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मीनू मौसी, आप ही ना। अरे मेरा मतलब है, हम शादी में जाएंगे तो वहाँ पर खाने की व्यवस्था तो होगी ना, तो वहाँ पर अनाज ढूंढने की क्या जरूरत है। अरे नहीं नहीं मीनू मौसी, आपको वहाँ पर अनाज ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो उनकी स्पेशल मेहमान हो। और हाँ साथियों, हमें शादी के दो चार दिन पहले ही वहाँ पर जाना है, क्योंकि माँ अकेली है, हमें उनकी शादी की तैयारियों में मदद करनी है। हाँ रानो, पर मेरा एक सवाल है, अगर हम सब वहाँ पर चले जाएंगे तो हमारे रहने के लिए वहाँ पर जगह तो होगी ना। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। साथियों, अब हम क्या करें? तुम इसकी चिंता मत करो दोस्तों, हम जरूर इसका उपाय करेंगे। हमारी वजह से हम उन्हें परेशान नहीं होने देंगे। चलो अब मैं चलता हूँ। कालू भैया, ये कुछ कार्ड जंगल के बाकी साथियों में बांट दो। कालू कुछ कार्ड लेकर चला जाता है। जब कालू शादी के कार्ड बांटने के लिए जा रहा था तो उसे भूरा दिख जाता है। भूरे, ये तू क्या कर रहा है? अरे भैया, मैं तो नया घोंसला बना रहा हूँ। इंसानी भाषा में इसे टेंट कहते हैं। इसे हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं। अरे वाह भूरे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। टेंट को देखकर कालू कौवा सोचने लगता है। तभी उसे एक आइडिया आ जाती है। अरे मेरे भाई, तूने तो समस्या का हल ही निकाल दिया। मतलब? मैं समझा नहीं। अरे रानो चिड़िया के भाई की शादी है तो हम सबको पहाड़ी वाले इलाकों में जाना है। वहाँ पर हमारे खाने का सारा इंतजाम हो चुका है, पर रहने की कोई सुविधा नहीं है। अगर हम ऐसे और घोंसले बना ले तो हम सबका वहाँ पर रहने का जुगाड़ हो जाएगा। हाँ भैया, पर उसके लिए तो हमें बहुत सारी बांस की लकड़ियाँ लगेगी। उसकी चिंता तुम मत करो भूरे, हम तुम्हें जितनी चाहिए उतनी बांस की लकड़ियाँ ला कर देंगे। ये लो अपना कार्ड, मैं बांस की लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। अच्छा, तो सारे पंछी एक साथ मिलकर दूसरे जंगल जाने वाले हैं। इसका मतलब हम सब की दावत होने वाली है। चलो हम हमारे दूसरे साथियों को बताते हैं। मम्मी, क्या हम मामा के गांव जाने वाले हैं? हाँ बच्चों। वाह, मुझे नाना नानी के घर जाना बहुत पसंद है।
वहाँ तो बहुत सारी ठंड पड़ती है और बर्फ बारिश भी। आहा, मैं नाना और नानी से ढेर सारी बातें करूँगा। हम वहाँ पर बहुत मजे करेंगे। बच्चों, हमें बंटी बबली के मामा के शादी में जाना है, तो अपना सारा सामान मुझे बता दो। मैं हमें लगने वाला सारा सामान पैक करने जा रही हूँ। पिंकी, तुम तुम्हारे स्वेटर भी ले लो, वहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है। ये, हम घूमने जाएंगे, हम वहाँ पर बहुत मजे करेंगे। हाँ बच्चों, पर वहाँ अच्छे बच्चों की तरह रहना, ठीक है ना? आपस में झगड़े नहीं करना। नहीं मम्मी, हम वहाँ पर बहुत अच्छे से रहेंगे। अरे कालू भैया, क्या बात है, आप बहुत जल्दी में दिख रहे हो। हाँ लाड़ो, भूरे ने हमारी समस्या का समाधान निकाला है, बस हमें कुछ बांस की लकड़ियाँ और थोड़ी घास फूस लगेगी। अरे वाह कालू भैया, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। पास वाले जंगल में बांस के बहुत सारे पेड़ हैं, हम सब मिलकर उन्हें ले आएंगे। तो ठीक है लाड़ो, चलो हम बाकी साथियों को अपने साथ लेकर जाते हैं। बच्चों, तुम घोंसले के अंदर ही खेलना, हम जाकर लकड़ियाँ लेकर आते हैं। कालू सारी बात बाकी पंछियों को बताता है। सारे मिलकर बांस के पेड़ के पास आ जाते हैं और बांस इकट्ठा कर लेते हैं। बांस को लेकर सारे अपने जंगल वापस आ जाते हैं। अरे मैं तो नहीं जाऊंगी किसी शादी वादी में, ना कोई मेरा आगे है ना पीछे। पिछली बार उड़ते उड़ते मेरी तो कमर ही टूट गई थी। अरे मीनू मौसी, आपको उड़कर जाने की जरूरत नहीं है। मतलब तू क्या मुझे तेरी पीठ पर बिठा कर लेकर जाने वाली है? अरे नहीं मीनू मौसी, कालू भैया ने राजा जी से हम सब के लिए पंछी हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की है, तो सारे पंछी मिलकर उसी में बैठकर शादी में जाने वाले हैं। हाँ, अब मुझे अच्छा लग रहा है, ये तो बहुत अच्छा हुआ। चल टूनी, मैं अपना बैग भरती हूँ, तू भी अपना सामान पैक कर ले। मीनू मौसी, मैंने तो मेरा सारा सामान पहले ही पैक कर दिया है, मुझे छोड़कर अकेली जाने वाली थी शादी में। साथियों, सुना है राजा जी ने सारे पंछियों को शादी में जाने के लिए पंछी हेलीकॉप्टर दिया है, पर कोई बात नहीं, हम ऐसे ही उड़कर उनके पीछे पीछे जाएंगे, वरना उन्हें शक हो जाएगा। इधर कालू और भूरा मिलकर बांस के टेंट बनाने लगे। दिन भर मेहनत करके उन्होंने 4-5 टेंट बना दिए। भूरे, ये कुछ बांस की लकड़ियां बच गई है, हम एक काम करते हैं, इससे सबसे बड़ा टेंट बनाते हैं, वो भी किसी ना किसी काम आ जाएगा। दोनों मेहनत करके एक बड़ा सा टेंट बनाते हैं। चल भूरे, हमारा काम तो पूरा हो गया, मैं शादी के इन बाकी कार्ड को जंगल में बांट कर आता हूँ, तब तक तू इसका दरवाजा बना ले। ऐसा कहकर कालू वहाँ से चला जाता है। एक एक करके कालू शादी के कार्ड पंछियों में बांट देता है। इधर भूरा अपने टेंट के घर में बैठा हुआ जोर जोर से आवाज लगा रहा था। अरे कोई है? साथियों, क्या मेरी आवाज किसी को आ रही है? कालू शादी के कार्ड बांटकर अपने घर वापस जा रहा था कि तभी उसने भूरे की आवाज सुन ली। भूरे, क्या तू अंदर है? हाँ भैया, मैं अंदर फंस गया हूँ, मुझे बाहर निकालिए। कालू बाहर से टेंट का दरवाजा खोल देता है। अरे भूरे, क्या हुआ? तुम इतनी देर से अंदर क्यों बैठे हो? क्या बताऊँ भैया, दिन भर मेहनत करके हमने ये जो बांस के टेंट बनाए थे वो सब ठीक है, पर इस वाले टेंट को बड़ा बनाने के चक्कर में इसका दरवाजा सिर्फ बाहर से ही खुल रहा है। मैंने इसे ठीक करने की बहुत कोशिश की, पर ये खुला नहीं। छोड़ो, जाने दो, हम इसे यहीं पर छोड़ देते हैं और बाकी टेंट को साथ लेकर जाएंगे। चलो बच्चों, जल्दी करो, वरना हमें लेट हो जाएगा और पंछी हेलीकॉप्टर छूट जाएगा। हाँ मम्मी, हम आ रहे हैं, बस हमें खेलने के लिए
थोड़े खिलौने साथ ले रहे हैं। हम वहाँ पर बर्फ में इनके साथ खेलेंगे। ठीक है, चलो जल्दी से। रानो अपने बच्चों को लेकर लाडो के पास आ गई। चलो लाडो, हमें देर हो रही है, क्या तुम तैयार हो? हाँ रानो, मैंने सारा सामान ले लिया है। अगर गोरी और जग्गू भी हमारे साथ आते तो कितना अच्छा होता। नेकी और पूछ, लो मैं आ गई। अरे वाह गोरी, तुम अपने मायके से कब वापस आई? हम सब तुम्हें कितना मिस कर रहे थे। अरे रानू के भाई की शादी की बात पूरे जंगल में फैल गई है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी शादी में आऊं। और वैसे भी जग्गू को पहाड़ों वाले इलाकों में जाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ गोरी, ये तुमने बिल्कुल सही किया। अरे अगर ये आने वाली है तो वहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, मुझे इससे बच कर रहना होगा। अरे साथियों, आप सब अभी तक यहीं पर खड़े हो, जल्दी चलो वरना पंछी हेलीकॉप्टर बाकी के पंछियों के साथ ही निकल जाएगा। सारे वहाँ से निकलकर पंछी हेलीकॉप्टर के पास आ जाते हैं। दोस्तों, हमने सारा सामान दूसरे हेलीकॉप्टर में रख दिया है, हम उसी में आएंगे। आप सब लेडीज और बच्चे इसमें बैठकर आगे जाओ। सारे पंछी हेलीकॉप्टर में बैठ गए। बच्चे नानी के घर जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हो रहे थे। ये हम नानी के घर जाने वाले हैं। अरे दोस्तों, आप कहाँ चल दिए? शादी की तैयारियाँ अभी बाकी है, आपको भी शादी में जरूर आना है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम जल्द ही लौट आएंगे।